लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आओ, काम हो गया। वेरी गुड, वेल डन। लेकिन बोल्टू बुरी तरह से जख्मी हो गया, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। नहीं, 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 अस्पताल नहीं, पुलिस का डर है। मैं उसे अपने डॉक्टर के पास भेज देता हूँ, मेरा ड्राइवर उसे ले जाएगा। एक मिनट। हाँ जॉन, नीचे गाड़ी में जो साहब जख्मी है ना, उसे फौरन अपने डॉक्टर के पास ले जाओ। माल कहाँ है? ये रहा आपका माल और ये रहे पैसे। ये क्या, तुमने उनको पैसे नहीं दिए? माल दिए बिना पैसे छीनने के चक्कर में थे, इसलिए मैं दोनों ही ले आया। यू आर रियली ग्रेट बुलेट, रियली ग्रेट। चलो तुमको हमारे बॉस के पास ले चलते हैं, चलो। तुम सब के सब निकम्मे हो, इतने लोग मिलकर उन दो आदमियों को नहीं रोक सके। जानते हो तुम्हारी वजह से हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ? 10 लाख का माल लूट कर ले गए वो लोग। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर कालीचरण में इतनी हिम्मत कैसे आ गई। सर, उसके गिरोह में एक नया लड़का आया है, नाम है बुलेट। साला चीता है चीता। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर जी। आपने कहा था कि कोई ऐसा नौजवान लाओ जो हमारे दुश्मनों को मात दे सके। हाँ, कहा था। यह है वो नौजवान जिसने उन लोगों को ऐसी मात दी है कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। गुड, क्या नाम है? बुलेट। बुलेट, अरे वाह, नाम में तो बहुत जोर है। मेरे नाम और काम में कोई फर्क नहीं है सर जी। अच्छा, इतना घमंड है अपने आप पर? हा? जी नहीं, यकीन है। हमारे इस बॉडीगार्ड को देखा? बॉडीगार्ड? आपका माल खा खा कर बॉडी तो चर्बी से भर गया, आप गार्ड कैसा है ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। इसकी ताकत का अंदाजा तुम्हें नहीं है। इंसान की असली ताकत उसके दिमाग में होती है सर जी, जो इसके पास नहीं है, वरना मुझे यहां नहीं ले आते। ये भारी भरकम हाथी एक बार गिर जाए तो उठना मुश्किल है। अच्छा, बाके एक बार दिखा दो। लीजिए सर जी, आपका हाथी लेट गया। अब अगर ये फिर से उठने की कोशिश करेगा फिर सुला दूंगा। सर जी, आपके काम में हाथी की सुस्ती नहीं, शेर की चुस्ती। वाह बुलेट, वाह वाह, नाम और काम का ऐसा मेल मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारी बूढ़ी आंखों का जवाब नहीं डिकोस्टा, क्या मोहरा ढूंढ कर लाया? मैं मोहरा नहीं हूं सर जी, मैं खिलाड़ी हूं। वंडरफुल, अरे इसमें तो और भी मजा है। शतरंज मेरी होगी और चाल तुम चलोगे, बोलो मंजूर? मंजूर। ये मुझे कहां ले आए? इतना धुआं क्यों है? इसी धुएं के खातिर तो लोग पागलों की तरह हम पर पैसा बरसाते हैं, मालूम है? ये है क्या? हेरोइन। जो माल आज तुम लूट कर लाए हो वो माल यहीं बेचा जाता है। हाँ वो तो समझा, लेकिन मेरी आंखें चल रही हैं, सर चकरा रहा है। पहले पहले ऐसे ही होता है, इसके बाद नहीं होगा, आदत पड़ जाएगी। सर आपका टेलीफोन। हाँ दो। हेलो, क्या उसकी लाश बैग में भर कर गंगा में बहा दो, समझे? बहुत बुरी खबर है बुलेट, बल्टू गुजर गया। क्या? मैं उसकी बहन को क्या जवाब दूंगा? आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। कितनी बार कहा भैया ये सब बुरे धंधे छोड़ दो, मेरी चाय की दुकान पर काम करो, जैसे भी होगा दोनों बहन भाई इज्जत की जिंदगी काट लेंगे। लेकिन उसने एक नहीं सुनी, आज मेरा सब कुछ खो गया। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं,
मेरा भी सब कुछ खो गया। सुख में दुख में हर घड़ी बोल्टो मेरे साथ था। हमने सच्चाई पर चलने की कोशिश भी की थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा होने नहीं दिया। ये क्या तुम जाने की तैयारी कर रहे हो? हाँ लक्ष्मी, जब बोल्टो ही नहीं रहा तो मैं भला यहाँ कैसे रह सकता हूँ? मैंने तुमसे जाने के लिए तो नहीं कहा। अब मैं यहाँ रहूंगा तो लोग क्या कहेंगे? लोग? लोगों में से कोई भी इस लक्ष्मी को शहनाई बजाकर घर की लक्ष्मी बनाकर नहीं ले जाएगा। तुम्हें समाज का इतना डर है तो तुम जा सकते हो। मैं अकेली इस समाज की भेड़ियों से लड़ रही हूँ और लड़ती रहूंगी। किसी का सहारा मेरी किस्मत में नहीं। नहीं लक्ष्मी, तुम जाओ बुलेट, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आज से मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। क्या कहा? ब्राउन का आदमी अभी तक डिलीवरी लेने नहीं आया? जी नहीं, और मुझे शक है कि पुलिस को हमारे बारे में पता चल गया है। कोई बात नहीं, तुम माल अपनी गाड़ी में से निकालकर किसी टैक्सी में जाकर छुपा दो। जीत, तुम्हें मालूम है कि ब्राउन का आदमी माल लेने नहीं आया? जी, ब्राउन को डिकोस्टा फुसला कर ले गया है और हमारा लूटा हुआ माल कालीचरण अब ब्राउन को ही बेचेगा। अच्छा, आप फिक्र मत कीजिए। और यह भी पता लगा है कि उनकी मुलाकात कंटेनर गोडाउन में होगी। सर जी, वहीं पर कालीचरण और बुलेट से मैं मुलाकात करूंगा। मिस्टर ब्राउन, आपका माल सब कंटेनर में छुपा दिया है। थैंक यू बुलेट, थैंक यू। ब्राउन साहब, हमारे साथ धंधा करने में आपका फायदा ही फायदा है, हमारे साथ दोस्ती कर लो। लेकिन आपके साथ कभी मुलाकात का मौका ही नहीं मिला तो फिर दोस्ती कहाँ से होगी? हाँ, इसलिए तो आज हम खुद आए। सिक्योरिटी की वजह से हम कहीं जाते नहीं है, लेकिन आज बुलेट के कहने पर चले आए। ओके, सी यू। सी यू। ओके। तुम सर जी को लेकर छुप जाओ, मैं सालों को देखता हूँ। चलिए सर जी। छोड़कर मत जाना बुलेट, प्लीज मत जाना। घबराइए मत सर जी, जख्मी साथी को छोड़कर जाना बुलेट ने कभी नहीं सीखा। आइए। डिकोस्टा, तुम संभालो। आइए।
भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए सेठ जी कि गोली हड्डी के बगल से निकल गई। शुक्रिया अदा तो इस बुलेट का करना चाहिए डॉक्टर, इसी ने मेरी जान बचाई। ये क्या कह रहे हैं आप, जीना मरना तो भगवान के हाथ में है। बुलेट, जिस तरह तुमने अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचाई है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। सर जी, ये तो मेरा फर्ज था। अब मैं मेरा फर्ज पूरा करूंगा। डिकोस्टा, बोलिए सर जी। मेरे सॉल्ट लेक के बंगले की चाबी बुलेट को दे दो। बुलेट, बुलेट आज से वो बंगला तुम्हारा है। मेरा? हाँ बुलेट, तुम्हारा। थैंक यू सर जी, थैंक यू। अरे वाह, इतना बड़ा बंगला, कौन रहता है यहाँ? अभी तक तो कोई नहीं रहता, लेकिन कुछ दिनों बाद यानी कि शादी के बाद हम दोनों यहाँ रहेंगे। सच? हाँ लक्ष्मी, ये बंगला सेठ जी ने मुझे इनाम में दिया है, कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आया, लेकिन एक ही खराबी है। खराबी? वो क्या? इतने बड़े बंगले में झाड़ू देते देते मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। घर के कामकाज के लिए बाहर के आदमी रखे जाएंगे। अरे वाह, घर के काम के लिए बाहर के आदमी रखे जाएंगे, तो मैं बैठे बैठे क्या करूंगी? तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगी। प्यार करने की फुर्सत है तुम्हें? जनाब, प्रेम करने के लिए तो फुर्सत ही फुर्सत है। ये कैसे जी, आप मुझ पर जासूसी कर रहे हैं? क्या कह रहे हो तुम बुलेट, तुमने हमारी जान बचाई और हम तुम्हारे ऊपर जासूसी करेंगे? ये तुमने सोचा कैसे? फिर हमारे गाने का वीडियो टेप आपको कहां से मिला? अरे नहीं भाई, मैं उधर से गुजर रहा था, दूर से तुम दोनों को बड़े प्यार से गाते हुए देखा। इत्तेफाक से कैमरा मेरे पास था, तो सोचा तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। मैं तो झटका ही खा गया था, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं है। और बताओ, मकान कैसा लगा है? जी बहुत अच्छा। और लक्ष्मी को तो मुझ, उसका नाम लक्ष्मी है? जी हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लगता है तुम दोनों में बहुत प्यार है। तुम तैयार हो गए? चलो मेरे साथ। कहाँ? काली मंदिर। काली मंदिर? क्यों? मैंने मन्नत मांगी है। कैसी मन्नत? यही कि तुम्हारी माँ और बहन तुम्हें वापस मिल जाए। चलो। लक्ष्मी मेरी माँ। अरे भाई जरा देख के तो चलिए, क्या गाड़ी के नीचे मरने का है? भैया जी, अभी अभी जो माँ जी आपसे बात कर रही थी, क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो तो हमारी दुकान से हमेशा फूल लिया करती हैं। कहाँ रहती हैं? हम उनका पता अभी आपको देते हैं। कहिए। आप, तुम गीता हो ना? हाँ। लेकिन आप? मेरी बहन कितनी बड़ी हो गई। कौन? भैया? हाँ रे भैया, मेरी बहन ने मुझे पहचान लिया। भैया, भैया, माँ, माँ देखो कौन आया है। कौन आया है? माँ। कौन? बेटा, कहाँ खो गया था रे? माँ, कहाँ खो गया था? कहाँ खो गया था? तेरे लिए रो रो के माँ का कलेजा सूख गया था भैया। मैं भी तुम लोगों के लिए बहुत रोया माँ, बहुत रोया रे। माँ, पिताजी कहाँ हैं? जेल से छूटने के बाद वो घर नहीं लौटे। क्या? हाँ बेटा, चल अंदर चल।
लेकिन माँ तुम लोगों ने इतने दिन पिताजी के बगैर काटे कैसे? माँ एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है और मैं दो एक ट्यूशन करके पढ़ाई करती हूँ। जानता है राकेश, गीता हमेशा फर्स्ट आती है फिर भी पढ़ाई छोड़ना चाहती है। क्यों? पढ़ाई क्यों छोड़ेगी? अब माँ इस उम्र में कब तक काम करेगी भैया, इसलिए मैं चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तू पढ़ाई करेगी और आज के बाद माँ सिर्फ आराम करेगी। अब से इस घर की जिम्मेदारी मेरी। लगता है कोई आया है। ये ले, चल पी ले। कौन? नमस्ते सुजाता देवी। नमस्ते कन्हैयालाल जी। हाँ। भाड़ी के लिए आपको दो चार दिन रुकना पड़ेगा। दो चार दिन? दो चार दिन कहते कहते तो चार महीने बीत गए। क्या करूं, मजबूरी है। मजबूरी? ये आप क्या कर रही है सुजाता देवी? जिसके घर में जवान खूबसूरत लड़की हो उसकी भला क्या मजबूरी हो सकती है? कन्हैयालाल जी नाराज क्यों होते हैं सुजाता देवी? कहिए तो धंधे पे लगा दूंगा। चुप है बुड्ढे, घर में कंठी डालकर दलाली करता है, वो एक मिनट जान से मार दूंगा। बस बेटा बस। उठ, क्या बोला? क्या बोल? बस कर बेटा बस, बोल। छोड़ दे उसे। जा, माँ के पाँव पकड़कर माफी मांग। माँ जी माँ जी माँ जी माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ भाड़े के लिए आया था माँ जी। कितने पैसे होते हैं तेरे? 750 चले, बाकी अपने पास रख लेना, चल फट। जी जी राधे कृष्ण राधे कृष्ण। माँ आज के बाद हम इस मकान में नहीं रहेंगे। तो फिर हम कहाँ रहेंगे बेटे? तेरे बेटे के पास मकान है, हम सब अपने मकान में रहेंगे। चलो। कितना आलीशान बंगला है, तेरा है? तो फिर किसका है? तेरा है भैया। तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया रे, तू काम क्या करता है? बस ऐसे छोटा मोटा काम करता रहता हूँ। वैसे ये बंगला मेरा नहीं, मेरे पार्टनर का है। चल आमा। वो देखो माँ, तुमने तो कहा था 5 साल बाद लौटाओगे, 15 साल बीत गए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। तो हमें भूल गए क्या? आखिर हमारा कसूर क्या है? मत रो माँ, जब तुम दोनों मिल गए तो पिताजी भी जरूर मिल जाएंगे। जरूर मिल जाएंगे माँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे मेरी माँ और बहन से मिला दिया। सच? मुझे ले चलोगे उनके पास? जरूर ले चलूंगा, बस अब पिताजी मिल जाएं, फिर मेरे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे, फिर हम सब मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, प्यार की जिंदगी। लेकिन बुलेट, वो लोग मुझे पसंद करेंगे ना? क्यों नहीं करेंगे, जब मैंने तुम्हें पसंद कर लिया तो वो भी तुम्हें जरूर करेंगे। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ये कपड़े और ये किताबें। मेरे लिए? मैं पढ़ूंगी लिखूंगी। मैं तुम्हें ऐसा बनाऊंगा कि लोग तुम्हें देखते रह जाएंगे। एक्सक्यूज मी प्लीज, थोड़ा साइड में हटिए तो। आई एम सॉरी। बस सॉरी कह दिया और हो गया, शर्म भी नहीं आती। मुझे धक्का क्यों मारा? देखिए आप खामखा नाराज हो रही हैं। मेरा पैर फिसल गया था, मैं तो जानबूझकर थोड़ा ही गिरा था। जानबूझकर लड़कियों पर गिरना आजकल के लड़कों की आदत है। देखिए मैम, आप एक शरीफ आदमी की इंसल्ट कर रही हैं। क्यों बे? हैं? हट, लड़की को छेड़ता है, घर में माँ बहन नहीं है क्या? आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैं बकवास कर रहा हूँ? मैडम को डॉक्टर के पास ले जाना है, दवा दारू के लिए पैसा निकालो, पैसा। अरे तुम इनके कौन लगते हो जो बीच में आ गए पैसे मांगने? मैं कौन लगता हूँ? मुझे पैसा ना नहीं, रख के दूंगा एक आध बत्ती से बाहर। अरे बाबा रुक जा, क्या कर रहा है ये? आप वकील साहब है, चेहरे से पहचान है नहीं? इन्होंने तो मुझे चोरी के केस से बचाया था। गलती हो गई साहब, माफ कर। खेतली में उड़ा साहब, एकदम
पहचाना नहीं। चाहिए सर, चाहिए, आपकी ट्रेन आ गई है। मैम साहब, ये कोई चोर बदमाश नहीं, हमारे वकील साहब है। हाँ। चल चुपके से फूट ले, चल फूट ले, फूट ले। मीरा, मीरा, क्या हुआ गीता, इतनी देर करती? क्या बताओ, एक बदमाश से टक्कर हो गई और मैंने ट्रेन मिस कर दी। तेरे भैया है ना? हाँ, भैया को चेंबर में मैंने रोक के रखा है। चलो भैया, भैया ये मेरी सहेली है। आप? आप? क्या बात है, तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते हो क्या? नहीं, वो हुआ यूं कि मैं जल्दी में सीढ़ी उतर रहा था और इनसे टकरा गया और इन्होंने। मैं माफी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई, I'm sorry। अरे वाह भैया वाह, मैं तो तुझसे मिलवाने के लिए लाई थी इसे, मगर यहाँ तो बात माफ कीजिएगा और सॉरी तक पहुँच गई है। मीरा, क्या बकवास कर रही हो, बैठिए आप। लो, टक्कर तुम दोनों की हुई, चक्कर चला तुम दोनों का, अब चोरी पकड़ी गई तो बकवास मैं कर रही हूँ। क्यूरी, इसी बदमाश के साथ टक्कर हो गई थी तेरी? ओफो, मानेगी नहीं तू, बैठ उधर। इसे बकबक करने दीजिए। मिस मजुमदार, आप यहां साइन कीजिए। आइए मेरे साथ। कहां? एफिडेविट मेरे चेंबर में नहीं, कोर्ट में होगा। जैसे प्लीज। एमए में फर्स्ट क्लास मिलने के बाद भी आप आईपीएस ज्वाइन करना चाहती हैं, पुलिस ऑफिसर बनने का बड़ा शौक है आपको? जी। फिर तो आपकी या मेरी हमेशा टक्कर होगी। तो क्यों? आप पुलिस ऑफिसर, मैं एक क्रिमिनल लॉयर, यानी कि पुलिस का दुश्मन, टक्कर तो होनी ही है।